अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त आ रहे हैं, कहीं पे जाने का प्रोग्राम है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी दोस्त मेरे आ रहे हैं बाहर रोड पे पिक करने मुझे, तो मैं बाहर रोड की तरफ ही जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग, फिर वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, दोस्त ने मुझे पिक किया है तो पता चला है कि हमारे मेरे घर के करीब कोई 10-12 किलोमीटर दूर है गगर फाटक, उसका नाम है। वहाँ पे कोई सैलाब मुतासरी आए हुए इंटीरियर सिंध से, तो अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और हम भी एक खिदमत खल्क के लिए वहाँ जा रहे हैं, जिसमें मेरे दोस्त का बड़ा किरदार है, जिसने इसमें हिस्सा लिया है और बड़ा अच्छा सोचा उसने कि यहाँ पर जाके हेल्प की जाए जो सैलाब मुतासरीन है, जो परेशान है। ये मेरे दोस्त है मोहम्मद गुल। कुछ कहना चाहोगे मोहम्मद गुल तो आप दे सकते हो। बस लोगों से दरख्वास्त है, जिस तरह पहले भी लोग मदद करते रहे हैं, उनसे थोड़ी सी और कोशिश है, थोड़ी कोशिश और कीजिए। हुकूमत नहीं, अपने हाथ से दें, जहाँ जाना है आएँ, सब जगह आपको पता है मुतासरीन हर जगह मौजूद हैं। आप खुद आगे आएँ ताकि अपने हाथ से दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक, हाँ, तो मेरा भी कहने का मकसद ये है कि इस काम में अल्लाह की रजा के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि इस टाइम पर अंदरूनी सिंध के बहुत बुरे हालात हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मीडिया सब कुछ खुल के बता रहा है, सोशल मीडिया सब कुछ खुल के बता रहा है। तो मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि इस काम में भरपूर हिस्सा लें और उनकी मदद करें। A few moments later, अम्मा के मिलते हैं। सैलाब मुतासरीन में ये अपना देख सकते हो कि बिरयानी तकसीम की जा रही है, इस चारों तरफ सैलाब मुतासरीन है। बस अल्लाह पाक हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, ये जो हमने थोड़ी सी एफर्ट्स की हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इसको। चारों तरफ मुतासरीन है, चारों तरफ। यार बच्चों को हटा दो, एक को भी नहीं मिलेगी। मैं दे रहा हूँ, पहले बच्चों को हटा दो, लाइन लगाओ, मैं सबको। बच्चों को हटा दो, एक को भी नहीं मिलेगी। लाइन लगाओ इधर सारे, दूर 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 दूर, खड़ा हो जाओ भाई। ये देखो चारों तरफ सैलाब मुतासरीन है। ये गवर्नमेंट का स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है, यहाँ पर हर जगह सैलाब मुतासरीन आए हुए। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए और इनको अपने घरों पे वापस जाने जैसा बना दे। इनके घरों का बहुत बुरा हाल है। आपसे भी गुजारिश है देखने वालों से कि इनके हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको वापस खैर खैरियत से अपने घरों तक पहुँचाए। हर तरफ सैलाब मुतासरीन है, चारों तरफ। गुल जो नीचे बैठे हुए उनको दे, खड़े एक को भी नहीं दिए, नीचे बैठना रुको, खड़ों को एक को भी नहीं दे, भले बच्चे पीछे आए। इधर आ, नहीं नहीं इधर नहीं है, इधर आ, इधर आ, इधर। ये देखें, लेडीज की नहीं बना रहा, लेडीज की नहीं है वो, होने पर उधर पे गुल। अरे ता वणियो, अरे छोड़ा ता भला जा, रुको बेटा, मैं तुझे बुलाने में कहता है, रिचर्ड इकड़ो इकड़ो बट भैया भाई, अरे वो वो इधर आ, इधर आ गुल, इस तरह एक थे दो, इधर थे, इधर थे। हां वे 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 भाई, वे वे तो बैठ बैठ मिलेगी, खड़े होगा नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, गुल यहाँ पर दे, गुल दो दो थैलियाँ दे दे। हाँ दे रहे, दे रहा भाई, दे रहा। हेलो हेलो, बच्चे सब हट जाओ, सब हट जाओ, खड़ा हो, जो भी है किसी को नहीं मिलेगी। एक और दे गुल, एक और दे दे भाई, यहाँ से चल उस तरफ चल, इधर कमरे वालों को नहीं नहीं, गुल गुल उधर चल, उस ग्राउंड में चल। यार यहाँ पर तो एक बात ना भी बड़ा मुसीबत है, ये बच्चे देखो कितने बच्चे हैं ये, अब क्या करें। बस गुल उस तरफ चल, उस तरफ चल, आगे चल, उधर चल। यार माशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल करे, बड़ा रश लगा हुआ यहाँ पर मूवी बनाने में भी, मूवी बनाने में भी बड़ी परेशानी। गुल उधर चलो, गुल उस तरफ, गुल माशाल्लाह सर, गोल यार, ये बच्चे देख लो, इन्होंने बच्चों ने बड़ा तंग किया है, ये पता नहीं बिरयानी में इन्होंने क्या समझा है, समझ नहीं आ रही। गोल गोल मेरी बात तो इस कैंप पे दे, खत्म कर, जान छुड़ा, इस कैंप पे दे दे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यार ये बड़ा रश है यहाँ पर, बड़ा मतलब कि बिरयानी देखकर बड़ी खराब सिचुएशन हो गई है। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए, बहुत बुरा असर है। जो बैठा हुआ है उसको मिलेगा, खड़ा किसी को भी नहीं मिलेगा। गुल उधर चला जा, तीन चार ये बैठे हुए इधर देखे, जान छुड़ा बस।
नहीं मिली देखे अगर बचती है तो वहाँ दे दे गोल गोल सबको मिली हुई है सबको मिली हुई है इधर दे दे साधन रोटी नहीं मिला नहीं मैंने लगी पुटर नहीं मिला रोटी नहीं मिला यार बड़ा बुरा असर है ये बच्चे ही बच्चे हो गए पता नहीं ये क्या समझ रहे बिरयानी को गोल उधर उधर दे दिए मेरी बात सुन वो यहाँ का इंतजार इधर दे दे इधर इधर सबको मिल गई है इनको दे दे मिली भाई चाहे तो ना मिली भाई दे दे चलो यार बस चलते हैं बस यार भाई इख्तिताम करते हैं व्लॉग का नाम तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि अल्लाह के नाम पे सैलाब मुतासरीन की हेल्प करने आए हैं तो बस इसको देख के इनके हक में दुआ कीजिएगा ये देख सकते हो सर ये हमारे गुल भाई हैं जिनकी बड़ी कोशिश है मेहनत है ये सारे सैलाब जदगान यहाँ पर आए हैं माशाल्लाह इनको काफ़ी कुछ मिल भी रहा है ये एक सुजुकी आई है अभी इस वक्त ये सुजुकी पूरी लोड है इनको मेरे ख्याल से इतना मिला है कि 5 साल तक ये बैठ के खाते रहेंगे अल्लाह इनकी मदद फरमाए 12 seconds later हाँ ये दूसरी सुजुकी आई है खुराक लिखा हुआ है इसमें मुल्क भर सैलानी वेलफेयर की जानिब से रोजाना 1 लाख अफराद के लिए खाना का इंतजाम है सैलानी वालों की गाड़ी है अच्छा बताता ये चलूँ कि गुलशन के इस गवर्नमेंट स्कूल में सैलानी वालों ने 3 वक्त का खाना यहाँ पर देने का मतलब ऐद किया है और माशाल्लाह सैलानी वालों की बहुत एफर्ट है जो 3 वक्त का खाना यहाँ पर दे रही है और कम से कम यहाँ पर कितने लोग होंगे 1500 बंदे हैं 1500 के करीब यहाँ पर बंदे हैं जो सैलाब मुतासरीन यहाँ पर आए हुए होंगे तो ये चारों तरफ लोग हैं देख सकते हो आप और इनके गांव वगैरह घर सब पानी में डूब चुके हैं अब ये बच्चे देखो सब मैं भी हूँ कर रहे हैं मैं भी हूँ सब दुआ करो कि अल्लाह पाक हमारे घरों को हिफाजत में रखे अल्लाह।